हेलो गाइस, तो ये डे 13 है हमारा, पार्ट 4 ऑफ कलेक्शन पैक क्रिएशन। ऐसे पहले वाले पार्ट्स के अंदर मैंने पोस्टमैन का एक कलेक्शन बनाया था, उसकी मैनुअल स्वैगर से कैसे चेंज करना है वो सिखाया था। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर मैंने क्रिएट एपीआई और गेट एपीआई की ऑटोमेशन के बारे में और कैसे उसको हिट करना है और ये सब अलग अलग वेरिफिकेशन डाटा क्रिएशन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद अपडेट एपीआई के अंदर कैसे डाटा ने अपडेट करना है उसके बारे में, फिर उसके अंदर जो कोड वेरिफिकेशन है, जो डाटा बना है उनको स्टोर कराना, फिर उनको जो नया डाटा है उसके साथ वेरिफिकेशन करना नए गेट एपीआई के साथ हिट करके। अब हम इस पार्ट के अंदर डिलीट एपीआई के बारे में कवर करेंगे, फिर जो डाटा डिलीट हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे और जो नया कोड जनरेट हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये सब करने के बाद हमारा एपीआई का ऑटोमेशन और पोस्टमैन की प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। फिर इसके अंदर मैं इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इन सब की कंबाइंड एक वीडियो कलेक्शन बना के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा प्लान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो के एंड तक बने रहे, जिससे आपको डिलीट एपीआई गेट एपीआई के बारे में कैसे उनको ऑटोमेट करना है उसके जानने को मिलेगा। तो अगर चाहे तो आप मुझे यहाँ पर एक नंबर सपोर्ट के लिए आ रहा होगा, अगर आप मुझे चाहे तो उन पे गूगल पे फोन पे या पेटीएम कुछ भी करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। आप अगर ये आपकी इच्छा के अनुसार है, अगर आप करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। ये जस्ट एक सपोर्ट, इससे मुझे मोटिवेशन की तरह एक्ट मिलता है बस। तो चलो वीडियो को हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मैं गेट एपीआई और गेट एपीआई के ऑटोमेशन के बारे में बताने से पहले, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी है, इससे एसोसिएटेड पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर बनाए हुए हैं मैंने, उनको नहीं देखे हैं तो उनको जाके पहले देखे फिर इस वीडियो के अंदर देखे। अगर आप कहीं भी रैंडमली आए हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली आए हैं तो मुझे कोई इशू नहीं, आप इसको वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब डिलीट एपीआई, तो ये मैं एक ऑटोमेशन का पैक है जो हमने यूज कर रहे हैं, इसके अंदर एक डिलीट एपीआई जिसके अंदर हम पेट आईडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, और फिर उससे हमारे डाटा डिलीट हो रहा है। सिमिलरली तरीके से मैंने एक क्या किया था, एक क्रिएट का एपीआई की हमने वर्क किया था, तो उसके अंदर एक नया डाटा क्रिएट हुआ था, फिर उसके अंदर एक नई जो आईडी बनी थी उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया था। मान लो अगर मैं उसको हिट करता हूँ, मेरे पास अब उस आईडी के अंदर ये स्टोर हो गया, तो मैं डिलीट के अंदर, ये एक डिलीट वाली एपीआई है के अंदर मैंने पेट आईडी देना है, तो वो रैंडम जो आईडी जनरेट हुई थी इस तरीके से हम उसको यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। इसकी कोई भी बॉडी वगैरह नहीं है तो इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैंने सेंड किया तो हमारे पास ये एक रिस्पॉन्स आया इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पार्ट है हमारा स्टेटस कोड को वैलिडेट करना कि हमारे पास जो स्टेटस कोड है वो हुआ है या नहीं हुआ, तो स्टेटस कोड की वैलिडेशन हो गई। सेकेंड हमारा है, तो स्टेटस वेरिफिकेशन हमने इस तरीके से कर ली थी। फिर जो गेट एपीआई के अंदर हमने ये वेरिएबल के अंदर क्रिएट किया था जेसन डाटा, फिर उससे हम वेरी एक्सपेक्ट कर रहे थे सेम इसी तरीके से जेसन डाटा डॉट मैसेज हम पहुंचेंगे और उसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे गेट आईडी को, और फिर इस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। अब मैं इसको जब हिट करूंगा दोबारा डाटा क्रिएट करते हैं, अब हमारे पास एक नया डाटा बन चुका है, इसके अंदर जब मैं हिट करूंगा तब हमारे पास ये देखो हमारा आईडी भी मैच हो गया जो हमें डिलीट हुई है, स्टेटस कोड भी मैच हो गया हाथ के हाथ हमारा डिलीट डिलीशन का। ये हमारा तरीका है वैलिडेट करने का, डिलीट हो गया है नहीं हुआ। ये जब हमारा वैलिडेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार गेट एपीआई को, अब जो नई आईडी है उसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि वो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में दे रहा है। अब वो डाटा हमारे पास जो हमने पेट क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया है, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए देखो। चलो इस पहले इस एपीआई को स्टोर कर लेते हैं, इसको मैं हिट करता हूँ, तो अब देखो हमारे पास अब 404 आया और लिखा हुआ है कि पेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसकी भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा स्टेटस कोड 404 आया है, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम पहुंच रहे हैं मैसेज तक और हमारे पास क्या मैसेज देखना चाह रहे हैं हम, अब हमें पता है कि ये वाला हर बार यही मैसेज आएगा, तो मैं उसी को हम कॉपी करके इसी को हम डिस्प्ले करा देते हैं। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो ये टेस्ट रिजल्ट भी हमारा ये हो गया, 404 आ रहा है, और हमारा इसकी जगह हम क्या कर देते हैं डिलीटेड
ये मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये तो था आपका डिलीट का। डिलीट के अंदर हम कैसे डिलीट करेंगे जो भी हमारा, और फिर उसके बाद डिलीट करने के बाद डिलीट की वेरिफिकेशन भी हो गई। तो ये तरीके थी डिलीशन के बाद हमारी एपीआई। अब हमारे पास एक पूरा पैक ऑटोमेशन का तैयार है, जिसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं पहले, फिर उसको क्रिएट को डाटा को वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्रिएटेड डाटा हुआ है नहीं हुआ, फिर हम अपडेट अपडेट कर रहे हैं, अपडेट के बाद हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि अपडेटेड डाटा हुआ है नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद हम गेट एपीआई को कॉल कर रहे हैं कि वो हमारा डाटा डिलीट हुआ है नहीं। ये तो ये थी आपकी डिलीट एपीआई और गेट एपीआई के बारे में। ऐसे ही अगर मेरे आपको चैनल को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, और चाहे तो मुझे गूगल पे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।